बहुत अच्छी फीलिंग थी क्योंकि मैं कब लास्ट ईयर से सोच रहा था ISL में जाऊंगा, डेब्यू करूंगा। और सबसे अच्छी बात थी डेब्यू पे मैंने हमारी टीम ने 3 पॉइंट लिए, वो मेरे लिए सबसे अच्छा था। मैं जब खेलने से पहले सोचता था, बार बार देख के लगता था बहुत प्रेशर होगा, बट अंदर जाके कंफर्टेबल फील हुआ, मुझे इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर लगा नहीं और मुझे लगता था मैं और भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं ये सोच के गया था एक चांस मिले जाए मैं 5 मिनट खेलूँ, 2 मिनट खेलूँ, कि 2 मिनट में एक चांस तो मिलेगा ही मिलेगा और उसमें मैं गोल करने का पूरा ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं फ्रेश लेग्स जा रही हैं तो किसी लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होगा रोकना। तो मैं सोच रहा था जब जितना टाइम भी खेलूँ मैं गोल करूँ। मेरा सच में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि फॉरेनर प्लेयर और इंडियन प्लेयर दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बॉर्जेस भाई देख लो और जाहू, दोनों ही टॉप क्वालिटी है, तो उनके साथ एक खेलना, पहले पहले तो प्रैक्टिस में ही मुझे प्रेशर आता था, स्लोली स्लोली इन सब ने मुझे थोड़ा थोड़ा समझाया तो अभी मुझे ईजी लग रहा है इनके साथ प्रैक्टिस करना। उनको मैं लास्ट ईयर से देख रहा हूँ जैसे FC गोवा खेलती है, मुझे लास्ट ईयर से बहुत अच्छा लगता था जैसे FC गोवा बिल्कुल अलग खेलती है दूसरों से, उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो मुझे अच्छा लगता था, तो वो प्लेइंग स्टाइल में खेलना वो मेरे लिए एक चैलेंज है क्योंकि मैं पहले वैसा नहीं खेला। पहले तो मुझे जितना भी टाइम मिलेगा मैं जो कोच बोलूँगा वो और अपना जो मैं सोच के जाता हूँ गोल करना वो मैं करूँगा ही करूँगा। और अभी मैं देख रहा हूँ अगर नेक्स्ट मैच में और ज़्यादा टाइम मिले तो मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ टीम के लिए। वो कई तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं केरला ब्लास्टर में, जैसे जैक्सन हो गया, गिब्सन हो गया, तो वो चलो दोस्त तो, बट इन द फील्ड कोई दोस्त नहीं, सबको पता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा क्योंकि उनके साथ तो मुझे जीतना ही जीतना है, क्योंकि मैं उन लगभग सारी टीम कईयों को जानता हूँ, तो मैं नहीं चाहता मैं उनसे हारूँ। मुझे लगता वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वो पहले इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट अभी वो अच्छा कर रहे हैं, लास्ट मैच वो 3 पॉइंट्स लिया, वो पूरा कॉन्फिडेंस होंगे नेक्स्ट मैच के लिए, उनको पॉइंट चाहिए चाहिए और हमें भी टेबल पे टॉप पे रहने के लिए पॉइंट चाहिए चाहिए।